नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं एडवोकेट स्वाति सिंह जी। नमस्कार स्वाति जी। तो हम आज इनसे बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। अगर कोई आम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो मोटर व्हीकल चला रहा है, चाहे बाइक हो, कार हो, आप सड़क से जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और रोक करके चालान कर दिया है, तो अब आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, नंबर वन ये बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से चालान कर दिया है तो क्या करें। तो स्वाति जी, इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपने कई सारे केसेस जो है मोटर व्हीकल एक्ट में देखे हैं और आपने किया भी है, तो हम लोग अगर मान लीजिए सामान्य तरीके से अगर बात करें, तो चालान अगर हो जाए तो क्या डरना चाहिए किसी को? चालान हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए किसी को। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं अपने जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे हम निकल रहे हैं अपने व्हीकल से, हमारे पास मोटरसाइकिल है, कार है या फिर कोई भी व्हीकल है, ट्रैफिक पुलिस हमें रोक लेती है। कुछ सारी चीजें तो होती हैं, रूल्स हमें पता होते हैं, कुछ हिडन ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग निकल रहे हैं, ट्रैफिक वाले ने हमें रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोक लिया, उस मोमेंट पे क्या हमें घबराना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, भागना चाहिए या उनको अवॉइड करना चाहिए, क्या करें? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये कि भागना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप भागते हो तो आप पुलिस वाले कहीं पर किसी को भी रोके, चाहे वो ट्रैफिक वाले पुलिस है या आम पुलिस है, अगर आपको रोका जा रहा है और आप भागते हो तो एक संदेह पैदा करते हो कि आपने कोई अपराध किया। उस संदेह में पीछे से गोली भी चला दे आपके पैर पे वो रोकने के लिए, तो फिर वो बोलेगा, वो उसको वो जस्टिफाई कर सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे यूथ जो है आज के टाइम का, तो उसको नहीं समझ आता है, पुलिस रोकती है तो उसको लगता है कि ये पैसे लेंगे ही लेंगे। नहीं, तो कभी भी ट्रैफिक पुलिस या कोई भी सामान्य पुलिस हो, अगर आपको रोकती है तो आपने चाहे अपराध भी किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, छोटा मोटा कोई चीज आपसे हो गया हो, लाइट जंप कर गए हो या कुछ भी छोटी मोटी चीज आपसे हो गई हो, तो आपको रुकना चाहिए और रुक करके आपको ट्रैफिक वाले जो भी खड़े हैं, जो पुलिस खड़ी है वहां पे, उनसे बात करना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हाँ। अब मेरा दूसरा सवाल है जी, कि मान लीजिए मैं कोई भी अपनी बाइक लेके निकल रहा है या कार लेके निकल रहा है, पुलिस चालान काट देती है, अब वो चालान एक अभी मेरे पास होगा ही, चालान मेरे किसी क्लाइंट का है, वो इस तरीके की कुछ पर्ची होती है, वो अगर मान लीजिए कोई लेमैन है, कोई एकदम नॉर्मल इंसान है, वो इतना पर्चा देख के ही डर जाता है, तो इस पर्ची के साथ हमें हाथ में पकड़ा दी जाती है ये पर्ची, कहते हैं अब आप जाके चालान भुगतो, तो आम आदमी क्या करे उसके मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे पहले क्या होता है ना कि मोटर व्हीकल एक्ट जो आया, जो नया वाला मोटर व्हीकल एक्ट आया है, उसमें अगर पहले कोई भी ट्रैफिक रूल का वॉयलेशन होता था तो 100 रुपये का मिनिमम चलान था, 100 रुपये को हटा करके उसको 500 रुपये कर दिया गया। दूसरा जो मिनिमम चालान, जो मान लीजिए ड्रिंक करके आप जाते थे या ड्राइव करते थे, तो 2000 का पहले चालान था, उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया, यानी 5 times चालान के अमाउंट को बढ़ा दिया गया। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि लोगों में एक डर हो, और डर इस बात का हो कि भाई बहुत हैवी पेनल्टी लग जाएगा, इसलिए आराम से चले, तो इसलिए ठीक से चलें और सही तरीके से चलें। अगर गलती किया, जैसे मान लीजिए यूथ है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने हेलमेट नहीं लगाया, या नंबर प्लेट पे आपने कुछ ऐसे लिखवा लिए या कुछ जिससे कि नंबर ठीक से नहीं दिख रहा, ये सभी एक प्रॉब्लम है। अब अगर आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोका है, आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम आपसे गलती हुई है, आप ट्रैफिक पुलिस से बात कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं अच्छे तरीके से बात करके कि मेरे से पहली बार ये गलती हुई है, आइंदा मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसे कोई ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि 10 ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे तो 4 या 5 जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपको छोड़ भी देंगे, बल्कि और 4-5 मिलेंगे, वो आपसे हो सकता है ब्राइब की डिमांड करें। तो दोनों तरह के लोग हैं, है ना। पहला चीज तो यही होता है कि आपको जो है उनसे ठीक से बात करना चाहिए। अब आपका जो सवाल जो था कि अगर इतना बड़ा आ जाए तो क्या डरना चाहिए, मेरा कहना है बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डर किस बात का है? अब देखिए, ये चालान है, इस चालान में ये चालान 25,000 का भी हो सकता है और यही चालान जो है 2,000 का भी हो सकता है। आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, पुलिस वाले ने क्या किया, मेरा DL लिया नहीं, मेरा कुछ लिया नहीं,
और चालान काट करके हमको दे दिया, चालान में अपनी जेब में रख करके घूमूंगा, होगा क्या? मेरे को मैसेज आता रहेगा, कुछ नहीं होगा, इसमें होना कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी चालान कटता है ना, इस चालान की कॉपी कोर्ट में जाता है, हर चालान की कॉपी को कोर्ट में जाना ही जाना है, और वहां से कोर्ट से आपको नोटिस मिलता है, उस नोटिस पे आपको अपीयर होना है, है ना? अगर आप नहीं अपीयर होते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वो आप बहुत बेटर बता सकती हैं कि क्या होता है, आप खुद ही बताइए, जो बहुत अच्छा बता सकते हैं। कोर्ट अगर हमें कभी भी बुला रही है, हाँ, तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए, हमें हाँ, उस प्रोसीजर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, ठीक है? कोर्ट आपको एक बार समन करे, दो बार समन करे, उसके बाद कोर्ट के पास पावर है कि वो बेलेबल वारंट इशू कर सकती है, और वो चालान के मैटर्स में भी होता है, बेलेबल वारंट इशू होते हैं, फिर आपको कुछ भी करके कोर्ट के सामने अपीयर होना होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट नोटिस पे, फर्स्ट समन पे चले जाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि जो आपके चालान की अमाउंट है, आप जज से रिक्वेस्ट करें, अपोलोजाइज करें अपने कंडक्ट के लिए, तो वो जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप बेलेबल वारंट आने के बाद से जाते हैं, तो अमाउंट डिडक्ट होना तो मुश्किल, इम्पॉसिबल ही हो जाता है वहाँ पे। लेकिन बेलेबल वारंट जब आ जाता है, तो आप अपीयर होते हैं वहाँ पे, जाके आप अपने चालान की फीस जमा करते हैं, आपको रिसीट मिलती है, वो मैटर वहीं खत्म हो जाता है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि जैसे ही चालान होता है, उसके बाद से ये मैटर कोर्ट में जाता है, तो एक डेट मिलता है आपको, हाँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस, जो आपके डीएल पे, हाँ, हाँ, या जो गाड़ी जिस जगह पे एड्रेस जो या जाता है, वो हमारे रजिस्टर्ड एड्रेस पे चला जाएगा। उस एड्रेस पे जब भी वो आए आपके पास सम्मन वगैरह, तो आप ये पता कर सकते हो कि किस डेट पे आपकी, मतलब आपके चालान की डेट लगी हुई है, उस डेट पे आप चले जाओ कोर्ट में, और वकील करने की जरूरत नहीं भी है। अगर आप पहले डेट पे जाते हो तो बिना एडवोकेट के भी जा सकते हो, और अगर एडवोकेट करना भी हो तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाकर के आप वहां पे मिल जाएंगे एडवोकेट, उनके माध्यम से कर सकते हो। ज़्यादा दिक्कत हो तो हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप जाएं वहां पे जाकर के, अगर आप पहले डेट पे जाएंगे, मान लीजिए कि आपने स्कूटी से आप जा रहे थे, अब आपका चालान हो गया कि भाई आप शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे, पहला आपका नंबर प्लेट नहीं था, आपके पास डीएल नहीं था, आपके पास आरसी नहीं था, इन सभी चीज़ों के लिए मान लीजिए चालान हो जाएगा। अब स्कूटी आपका 20,000 का है, चालान हो गया 25,000 का, ऐसा भी पॉसिबल है कि इतने का चालान हो जाए, तो घबराना नहीं है। उस वक्त भी अगर आप जाएंगे कोर्ट में, तो आप बता सकते हैं कि उस वक्त आपसे डीएल क्यों छूट गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि भाई घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, और आप जा रहे हो दवाई लेने के लिए, आपसे बाय मिस्टेक डीएल छूट गया या आरसी छूट गया, आप कोर्ट को बता सकते हो मेरे साथ ये सिचुएशन था, इसमें मैं जा रहा था और जिसकी वजह से मेरा ये छूट गया, है ना? आप रात को कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, पार्टी से आ रहे हो और आपने, आपके मुंह से पुलिस ने स्मेल किया, उसको शराब की बदबू आई, अगर आपने सही में ड्रिंक नहीं किया हुआ है, आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो कि ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ओवर स्पीड में जा रहे हो, ओवर स्पीड में आप डिमांड कर सकते हो कि ओवर स्पीड का वीडियो मुझे देखना है कि ओवर स्पीड था या नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप कोर्ट में जाके कर सकते हो, तो बिना घबराए हुए आपको चालान को भुगतना चाहिए, कोर्ट में जाके भुगतना चाहिए। 25,000 का चालान होगा तो हो सकता है कि आप 5,000 में छूट जाओ, हो सकता है 2,000 में छूट जाओ, तो जरूरी नहीं है कि टोटल ही पे करना पड़े। लेकिन एक चीज जरूर है कि ट्रैफिक नियमों का तो उल्लंघन, हाँ, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, हाँ, कि कभी भी ट्रैफिक रूल्स तो नहीं ही तोड़ने चाहिए। दूसरी चीज कि हमें हमारा जो व्हीकल है उसको एकदम ठीक रखना चाहिए, जैसे उसके पोल्यूशन होना चाहिए, उसकी नंबर प्लेट ठीक है, वो क्योंकि वो सब हमारी ही सेफ्टी के लिए है। पुलिस हमें पकड़ती है, उनको ये दिया गया है अथॉरिटी कि आप इस चीज के लिए चालान काट सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ होता, मतलब जो राइडर होता है उसी की सेफ्टी के लिए होता है। आप हेलमेट जरूर पहनिए। पुलिस अगर आपको रोक रही है तो प्लीज रुकिए, आप पुलिस को चेस करने का मौका मत दीजिए कि पुलिस आपको चेस करे। पुलिस आपसे डॉक्यूमेंट मांग रही है, आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। हमने एक वीडियो आपकी देखी थी वो डिजी लॉकर के बारे में, कि अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसमें भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो फिजिकल ही होना चाहिए। अगर सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर में है तो या सॉफ्ट कॉपी आपके पास डिजी लॉकर में प्रॉपरली रखा हुआ, आप उसको भी शो कर सकते हैं, वो लीगल है और पुलिस आपसे डिमांड नहीं कर सकती
कि आपको फिजिकल ही दिखाना है, मतलब आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि अब तो पुलिस ने रोक लिया, लाइसेंस मांगेगा, आरसी मांगेगा, लेकिन मेरे पास तो फिजिकली अवेलेबल वो है नहीं, तो आप उसको डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसकी वजह से आपको पुलिस से भागने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मान लीजिए पुलिस ने आपको रोक लिया और कह रही है कि भाई तुम्हारा नंबर प्लेट भी नहीं है, तुम्हारे पास आरसी भी नहीं है, तुम्हारा ये भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर बनता है 10,000 का चालान, तुम मेरे को 1,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कैसे इसको क्या करना चाहिए? देखिए ये तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि भाई इतनी सारी चीजें, इतने एलिगेशंस मेरे ऊपर लग रहे हैं और जो एक्चुअल में भी हैं, तो मैं तो बीइंग अ नॉर्मल पर्सन सोचूंगी कि ठीक है 1,000 रुपए में बात खत्म हो रही है तो हो जाए, लेकिन क्या वो 1,000 रुपए में एक्चुअली बात खत्म हो रही है? मुझे नहीं पता कि क्या मेरा चालान कट के घर पे आ जाएगा, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी। बट लेकिन आप ऐसा कह करके लोगों को आप एनकरेज कर रही हैं कि आप ब्राइब दे सकते हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ब्राइब दीजिए, मैं कह रही हूँ कि 1,000 रुपए की आपके पास डिमांड आई है लेकिन आपको नहीं पता कि चालान कट भी जाएगा वहाँ पे। तो 1,000 रुपए की ब्राइब को अवॉइड करिए, पहले पुलिस को कन्विंस करिए कि आप एक अच्छे खासे इंसान हैं, आप इस कंट्री के अच्छे सिटीजन हैं, आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे, आप जो कमी बता रहे हैं मैं इसको ठीक करा लूँ, अगर फिर भी नहीं वो मान रहे हैं तो आप प्लीज चालान ले लीजिए और कोर्ट में जाके उसको भर दीजिए। और पैसे हो तो क्या इंस्टेंट पुलिस को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए चालान अमाउंट जो है अगर वो वहाँ पेएबल है और वहीं आपका चालान कैंसिल हो जा रहा है तो देना चाहिए। ठीक है, तो ये उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पेएबल है कि नहीं। तो क्या कैश अमाउंट भी दे सकते हैं? कैश अमाउंट का कोई रिसिप्ट मिलेगा? रिसिप्ट मिलती है, कैश अमाउंट की। कैश अमाउंट का रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाता? होता भी है, बीच में हमने सुनने में भी आया था कि काफी स्कैम हो रहा है। हाँ, बट ये रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट का भी पेएबल होता है। ठीक है, ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे है, वो ये है कि मतलब ऐसा कई क्लाइंट्स ने बताया है कि वो लोग गाड़ी रोक लेते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, तो अगर मैं डिजी लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ तो वो कहते हैं कि एक फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये सही बात नहीं है। देखिए डिजी लॉकर में आपके पास डॉक्यूमेंट सारे अगर हैं अवेलेबल तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट आपका फिजिकल होना चाहिए और एक डिजी लॉकर में होना चाहिए। अब मान लीजिए 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आपके पास आरसी है, डीएल है, पॉल्यूशन है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि एक फिजिकल होना चाहिए, ऐसा क्यों कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, होता क्या है ना, जब चालान काटा जाता है तो उस वक्त चालान जब आपको मिले ना तो देखना भी चाहिए कि आपका चालान कटा किस किस चीज के लिए है। बिल्कुल है ना, अगर आप ये नहीं देखते हो सकता है कि वो आपको बोलें कि एक फिजिकल कॉपी होना चाहिए और चालान किसी और चीज के लिए काट दें। जी बिल्कुल, है ना, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मेरे पास ये चालान है, इसके अंदर इसका अमाउंट भी लिखा है, ड्राइवर का पूरा पूरे डिटेल्स लिखी हुई है, उसका एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, लोकेशन लिखी है और चालान का अमाउंट भी लिखा हुआ है और किस चीज में ये हुआ है वो भी लिखा गया हुआ है, तो सब कुछ इसके ऊपर लिखा रहता है। एक बार आप उस पर देख लें कि आपका, इनफैक्ट जिसने भी किया है ये, जो चालान वाले ऑफिसर होते हैं इनका सिग्नेचर होता है, रिसीवर का सिग्नेचर होता है, तो सारी डिटेल्स होते हैं, एक बार देख लें। कहीं चालान ही ऐसी चीज के लिए है कि जो पता चले आप कोर्ट जाएं, गाड़ी नंबर ही इस पे ठीक नहीं लिखा हुआ है, फिर आप कैसे अपनी गाड़ी छुड़ा पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मेरे आई है दिमाग में लोक अदालत के बारे में। ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है कि लोक अदालत में जब जाते हैं तो वहाँ क्या प्रोसीजर होता है चालान के बारे में? देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है कि सपोज मान लीजिए एक कोर्ट है, उस कोर्ट में 1 महीने के अंदर मान लीजिए कि 10,000 चालान कट गए। अब 10,000 चालान कट गए, अगर हर चालान की सुनवाई होने लगेगी तो उस चालान को निपटने में फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी और उसमें प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर उन चीज़ों से निपटने के लिए कोर्ट क्या करती है कि लोक अदालत लगाती है। लोक अदालत के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मैटर्स, आप सीधे लोक अदालत में जाएं, अपना वहां पे चालान दिखाएं और चालान दिखा करके वहां पे पेमेंट करें और चले आएं। वो भी अदालत ही होता है, लेकिन उस अदालत में ऐसा नहीं होता, कोर्ट की तरह नहीं होता, जज ही बैठे होते हैं। लोक अदालत में भी जो बैठे होते हैं वो जज ही बैठे होते हैं और क्विकली वहाँ पे काम हो जाता है। क्या वहाँ पे चालान कैंसिल भी हो जाते हैं कि हमें कुछ अमाउंट पे नहीं करना होता है? ऐसा भी हो सकता है, अगर आप कोई एविडेंटरी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं तो हो भी सकता है, तुरंत हो सकता है, क्विकली हो सकता है।
एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गया, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, कि चलान जिसके नाम से कटा है, यानी गाड़ी का जो ओनर है, जो कार का या मोटर बाइक का ओनर है, चलान भुगतने वाले दिन क्या ओनर को जाना जरूरी है? क्योंकि जो भी चलान आता है वो चलान ओनर के नाम पे आता है, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, आरसी पे जिसका एड्रेस है, जिसका नाम है, तो जो भी चलान या समन जा रहा है कोर्ट के थ्रू वो ओनर के पास जा रहा है। तो ये जानने वाली चीज है कि मान लीजिए ओनर है ही नहीं, यहाँ पे गाड़ी किसी और को बेच दी है लेकिन उसका आरसी वगैरह ट्रांसफर नहीं हुआ है और लेकिन चलान आ रहा है, तो ओनर कहाँ से अपीयर हो? ओनर इंडिया में नहीं है, ओनर की डेथ हो चुकी है, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है ओनर वाले पार्ट पे। मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ, देखो अगर मान लीजिए कि चलान कटा, एक स्टेज है चलान कटना और दूसरा स्टेज है आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाना। हाँ जी। अब वारंट इशू हो गया तो जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ होगा उसी को भुगतना पड़ेगा। अब वो नहीं है उसी की बात, अगर वो नहीं है तो एडवोकेट के थ्रू अपीयर होकर के अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, एडवोकेट अपीयर हो जाएंगे उनके बिहाफ पे, जिनके नाम पे गाड़ी, जिनके नाम पे गाड़ी है वो किसी एडवोकेट को अपना वकालतनामा साइन करेंगे वकील साहब का, और वकील साहब जो है अपीयर हो जाएंगे। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर वारंट इश्यू हो गया तब तो उनको जाना पड़ेगा। केवल चलान तक बात है तो उनके बिहाफ पे कोई भी जाकर के चलान भर के आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। वारंट इश्यू वाले केस में भी ओनर का आना जरूरी है, अगर ओनर है ही नहीं, वो अपीयर ही नहीं हो सकते, तो फिर वकील चले जाएंगे ना, मैं बता तो रहा हूँ, या उनके बिहाफ पे कोई और भी जा सकता है, वो भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब वो लॉजिक देना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के, अपने आर्गुमेंट में बताना पड़ेगा कि ओनर क्यों नहीं आ सके, हमें उसका एक रीजनेबल एक्सक्यूज देना होगा। तो दोस्तों लीड इंडिया के इस वीडियो में हमने चलान से संबंधित बात किया, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू सो मच, आप वीडियो में आई, थैंक यू सो मच।